नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट व नए तरीके से मेथी के पराठे। सर्दियों में मेथी के पराठे बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ताजी मेथी ली है। तो सबसे पहले मेथी को हमने काटना है। इसको हम बारीक काटेंगे, तो इसे इस तरीके से हमने बारीक काट लेंगे और बाकी मेथी को भी बारीक काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरा आटा डाल दूंगी। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन से पराठे क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्ची, इसे भी हमने बारीक काट रखा है, 7 से 8 कलियां लहसुन की, वो 1 छोटा टुकड़ा अदरक का जो हमने क्रश किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, अपना स्वादानुसार नमक डाल लें। अब इसमें मेथी को डाल देंगे। इन सभी चीजों को हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे हम जितना पानी की जरूरत पड़ेगी उतना ही पानी डालना है, क्योंकि मेथी से भी पानी रिलीज होगा। मेथी के पराठे इन चीजें डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो आटा हमने सॉफ्ट रखना है, ज्यादा हार्ड नहीं रखना है, क्योंकि पराठे का आटा सॉफ्ट ही लगना चाहिए। हार्ड आटे से बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जब हम इसमें पानी का यूज करें तो नॉर्मल पानी का ही यूज करें। तो आटा हमने सॉफ्ट तैयार करना है, तो हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। उससे लोग क्या करते हैं कि मेथी को पहले काट लेते हैं और बाद में धोते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि इससे हमारे सारे विटामिन मिनरल्स पानी में बह जाते हैं। पहले साफ कर लें, उसके बाद इसे 4 से 5 पानी धो लें, उसके बाद इसे थोड़ी देर इसका पानी सूखने दें, उसके बाद इसे काट लें। तो आटा लगाकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले एक छोटी लोई लेनी है। इस तरीके से आपको पराठा जिस साइज का आपको बनाना हो उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। और मैंने जितना रोटी के लिए आटा लेते हैं उतना ही लिया है। हम इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। आपको जिस शेप में पराठे पसंद हो आप उसी शेप में पराठे बना सकते हो। ये पराठे मैं गोल सिंपल बनाऊंगी। तो मैंने तवा गरम करने के लिए पहले से ही रखा था और इसमें थोड़ा तेल भी लगाया था ताकि हमारा पराठा नीचे से अच्छे से सिक जाए। मैं पराठे बनाने के लिए भी सरसों का तेल का ही यूज करूंगी, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो सरसों का तेल में बना हुआ हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। तो हमने तेल को पराठे के ऊपर भी लगा लेंगे व किनारों से चारों तरफ से तेल को डाल लेंगे। इसे हमारे पराठे एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो अब हम पराठे को त्रिकोण बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे और एक फोल्ड और कर लेंगे। इसमें भी तेल लगा लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। आपको जिस शेप में पसंद हो उसी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरीके से बेल लिया है। तो मैंने यहाँ पर भी तवे पर डाल दिया। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि अच्छे से सिकाई हो सके। इसमें भी सेम तरीके से तेल लगा लेना है, दोनों साइडों से अच्छे से सिक जाएगा। आप चाहे तो घी या बटर का भी बना सकते हो। और सरसों के तेल से भी पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आपके पास जो भी हो उससे पराठे तैयार कर सकते हो। घी या तेल जो भी हो, तो इसे हमने दबाकर सेकना है ताकि बढ़िया से सिक जाए। ये हमारा पराठा सिक के तैयार हो गया है।
तो हम एक और सेब में पराठा तैयार करना बताएंगे। तो हम पहले बेल लेंगे, इसको दोनों साइडों से आधा आधा फोल्ड कर लेंगे और फिर इन दोनों साइडों से फोल्ड कर लेंगे। तो साथ में फोल्ड करते समय इसमें तेल भी लगा लेंगे। अब हमने ये फोल्ड कर लिया है, इनको अब हम बेल लेंगे। सेम प्रोसेसिंग से इसकी भी सिकाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। सिकाई आप परफेक्ट कीजिए, गैस पर बिल्कुल कम गैस पर करेंगे तो आपके पराठे अच्छे से सिक कर तैयार होंगे। तो हमारे सभी पराठे इसी तरह तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर बहुत अच्छी आई है। गर्म गर्म पराठे दही या चटनी के साथ में, किसी के साथ में भी खाइए। मैंने तो दही के साथ लिया है, आप चाहें तो चटनी के साथ भी ले सकते हो। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि मेरी नई नई वीडियो बनाने का मन करे और आपके साथ नई नई रेसिपी लेकर आऊं। रेसिपी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें।